हाँ गाइज, मैंने मंगवा लिया एक और बफे बॉक्स अपने घर पे, क्ले वन ग्रिल से मंगवाया। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो ये ना कुछ इस तरीके का है और इसका वजन बहुत ज्यादा है। पिछली बार जो मैंने मंगवाया था ना बारबेक्यू नेशन से, उससे तो काफी ज्यादा है इसका वजन। तो जल्दी से ना इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। और ये है हमारा वेज बॉक्स। इसके अंदर ये क्या दिया इन्होंने, दही बल्ले। ओहो, ये देखो दही बल्ले आ गए हमारे सबसे पहले। इसके साथ हमें मिला है सैलेड और ये कुछ, इसमें काफी सारी चीजें लग रही हैं। ओ भाई साहब, ये है दही, ये है चटनी, दिस इज क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। ओए, ये तो हलवा है मुंह मीठा करने के लिए। ये है हमारे गुलाब जामुन, ये है हमारी हरी चटनी और ये है सिरके वाली प्याज। जो सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें टेबल पे मिलती है ना, वो यहाँ पे मिल चुकी है। और माय गॉड, लुक एट दिस बॉक्स मैन, इतनी सारी चीजें। ये है हमारी ब्रेड, हमें मिली है कोल्ड ड्रिंक, वाओ। ये है एक कोई ग्रेवी आइटम, ये है हमारा ड्राई आइटम, दिस इज आल्सो ग्रेवी आइटम। ये हमें मिले हैं इसके साथ बिरयानी। मेरी टेबल होती जा रही है फुल, अब क्या करूं। इसमें मंचूरियन है, चिली पटाटो है, चिली पनीर है, खुशी देख रहे चेहरे की। स्प्रिंग रोल्स हैं और ये है हमारे दही के शोले और मुंह में पानी आ रहा है। ये है हमारा मलाई पनीर, मलाई चॉप, ओ बाप रे। और ये है हमारे चिली पटाटो। डोसा रह गया, वो भेज देते हैं। हाँ सच में भाई, इतना सब कुछ एंड दैट टू इन जस्ट रुपीस 1200। भाई मैं इसीलिए ना इसकी फैन हूँ। बाहर जाके खाएंगे तो 1200 रुपये एक बंदे को देने पड़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आप 1200 का बफे बॉक्स मंगवाओ और घर पे 3-4 लोग तो आराम से बैठ के इसको खा सकते हैं। और भाई इन्होंने पेट बॉटल्स भी दिए, दैट इज़ वेरी नाइस। तो देखते हैं इसकी रंगत कैसी है। निकाल तो हमने सब कुछ लिया है, ये देखो बिरयानी, खुशबू तो काफ़ी सही आ रही है और काफ़ी कलरफुल लग रहे हैं। भाई मेरे से ना रुका नहीं जा रहा है आज। ये देखो ये देखो, ओए ओए, शाही पनीर, शाही पनीर है ये, देखिए शाही पनीर ही है ना, कहीं मलाई कोफ्ता निकल जाए। हाँ शाही पनीर है। ये है हमारी दाल मखनी, ये देखो ये दाल मखनी नहीं लग रही यार, ये दाल मखनी नहीं है भाई, ये दाल मखनी ही है। दाल मखनी कुछ ज्यादा, और ये कितनी रिच लग रही है, कितनी टेस्टी होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। और ये है हमारा मिक्स वेज, भाई क्या बात है। 3 इसमें हमें मेन कोर्स में सब्जियां मिली हैं और ये मिले हैं हमें स्नैक्स, माय गॉड। तो 1200 रुपए में इतनी सारे आइटम तो मुझे वर्थ लग रहे हैं। आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगर आप लोग भी ये बफे मंगवाना चाहते हो तो मतलब ये इनका जो है आउटलेट वो कीर्ति नगर में और मेरे घर के पास है, तो मुझे जोमैटो पे शो हो रहा था तो मैंने कहा चलो मंगवाते हैं, रिव्यू करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, खुद भी खाते हैं। अगर आपके यहाँ जोमैटो पे दिख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर क्या करें। आप लोग अपने घर के आसपास जो भी है बफे बॉक्स मुझे बताना, मैं वो भी रिव्यू करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है खाने की तो मैं कितनी बड़ी शौकीन हूँ। ये देखो, ओए होए, चिली पटेटो ने कम दिया, चिली पटेटो देख कितने सारे दिए हैं, क्योंकि आलू सस्ते हैं ना ऋषभ, वही मैं कहूं। ये देखो, ये है हमारे दही के शोले और स्प्रिंग रोल। आई थिंक ये वाले आइटम्स ना ऐड नहीं करने चाहिए क्योंकि ठंडे होके नहीं अच्छे लगते। ये गर्मा गर्म जो कढ़ाई से निकलते ना क्रिस्पी क्रिस्पी, ये दोनों वो वाले आइटम है, तो इनको इसमें नहीं डालना चाहिए, इसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं। और मुझे दही बल्ले तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं थे और इसमें हमें मिला दही बल्ले। बफे बॉक्स में इन्होंने हमें कटलरी भी देनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली है, पर कोई बात नहीं, क्या करें। और ये है हमारे पास ब्रेड और काफ़ी गर्म है, देखो इसमें हमें मिले लच्छे पराठे, ये देखो नान और 2 तंदूरी रोटी। मैं हो गई हूँ कंफ्यूज, आप लोग मुझे बताओ कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप इनमें से सबसे पहले क्या खाना पसंद करते। मैं ना अपनी शुरुआत करने वाली हूँ दही बल्लों से, जिसकी हालत हो गई है थोड़ी सी खस्ता, बिल्कुल है ना, खत्म हो गए हैं, खत्म, ठीक है, अच्छे हैं। और क्या खाएं, और क्या खाएं, थोड़े से लेते हैं हम, अपनी प्लेट में डाल लेते हैं मंचूरियन और चाइनीज आइटम इन्होंने रखा है, ठीक है। ये हमारा मलाई पनीर,
क्या बात है, आपको क्या पसंद है, मलाई चाप या मलाई पनीर? ऋषभ तुझे क्या पसंद है? चाप पसंद है मेरे को। चाप पसंद है मुझे तो, तंदूरी बढ़िया लगता है भाई। हाँ ये बात तो सही कही यार, ये इतने दे दिए और सौगी हो जाते हैं, इन्हें कम देने चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, जो दे रहे हैं बढ़िया दे रहे हैं, ऐसे गलत वो मैं डाल। थोड़ी सी लेते हैं हम बिरयानी, ठीक है। और गाइज ये खाना वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आप हमारी फैमिली को नहीं जानते हो। एक तो इतनी बड़ी है, ऊपर से हमारे जैसी है बिल्कुल, हम अपनी फैमिली पे गए हैं बुक्कड़, तो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी लेते हैं हम अपनी मिक्स वेज, और ये पनीर काफ़ी सही लग रहा है, देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। नहीं अभी ऋषभ के मन में और निखिल के मन में इस वक्त पता क्या चल रहा है, जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो और हमें मिले खाने के लिए ये सारा खाना। इसके साथ हमें मिली है यहाँ पे ग्रीन चटनी, ये मुझे लग रहा था मीठी वाली सॉस है, पर ये शेजवान जो मोमोज के साथ सॉस होती है ना वो वाली है। हमें मिली है प्याज, ये है गुलाब जामुन, ये हलवा और ये है दही। तो लेट्स ट्राई मंचूरियन से, काफ़ी सही है, काफ़ी फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया। ये हमारा मलाई पनीर, आई थिंक मलाई चाप ज़्यादा बेटर होगी, तो एक बाइट इसकी ले लेते हैं। मलाई पनीर कर सकते थे, मलाई पनीर क्या तंदूरी देना चाहिए था। मलाई पनीर से बेटर इनका मलाई चाप है, बहुत सही है भाई। चाइनीज आइटम तो टॉप के हैं, अब जरा मेन कोर्स भी ट्राई कर लें। मिक्स वेज से शुरुआत करते हैं हम। ये वाइट आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताना जरूर कि आप लोग इसमें से सबसे पहले किस आइटम पे टूट के पड़ने वाले हो। मैं मिक्स वेज से स्टार्ट करती हूँ। 1200 के हिसाब से आई थिंक ये टेबल वर्थ है, ये बफे बॉक्स वर्थ है, इट्स गुड, काफी सही टेस्ट लगा मुझे सारी चीजों का। ओहो ये वो वाला शाही पनीर है, एक शाही पनीर होता है जो चटपटा होता है, लेकिन ये वाला है माइल्ड और हल्का सा मीठापन, बहुत ज़्यादा सही है। मुझे तो वो मीठे वाला शाही पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है इनकी दाल मखनी, वाओ अमेजिंग, मतलब सारी आइटम्स में से ना दाल मखनी ने दिल जीत लिया है, चाइनीज आइटम ने दिल जीत लिया है। दही भल्ले बेटर हो सकते थे, बिरयानी में भी थोड़े और मसाले डल सकते थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत सही है। मलाई पनीर भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन मलाई चाप इज टॉप नॉच, मज़ा आ गया गाइज। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके घर के पास भी कोई ऐसा बफे बॉक्स मिलता है जो आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं करती हूँ अपना लंच इंजॉय और आप लोगों से मिलती किसी और वीडियो में, ठीक है, चलो बाय।